रवि मधु कुकिंग में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य सबको घर पर स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए प्रेरित करना है। आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बराबर में दिख रही घंटी को भी टच करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का समाचार आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी अवश्य टच करें। सामग्री की सूची और डिटेल्ड रेसिपी टेक्स्ट के लिए इस बटन को टच करें, या अगर आप लैपटॉप पर इसे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन को टच करें। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग और मक्की की रोटी। सरसों का साग और मक्की की रोटी पंजाब का परंपरागत रूप से बनाया जाने वाला ऐसा भोजन है जो पंजाब की पहचान बन चुका है। इसे बनाने के लिए कई विधियां प्रचलन में हैं और विभिन्न विधियों से सरसों का साग बनाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री में भी थोड़ा बहुत फेरबदल परिवार के स्वाद के अनुरूप कर लिया जाता है। हम इसे बनाने की सबसे सरल विधि बता रहे हैं। आप इसमें अपने स्वाद व रुचि के अनुसार सामग्री घटा या बढ़ा सकते हैं। सरसों के साग के साथ साथ हम यहाँ मक्की की रोटी बनाने की तीन विधियाँ यानी कि रेसिपी बता रहे हैं। आपको जो भी वैरायटी अच्छी लगे या बनाने में आसान लगे वो बनाएं और इस पारंपरिक पंजाबी व्यंजन को अपने परिजनों को परोसें। निश्चित ही हर कोई वाह वाह कर उठेगा। इसे बनाने के लिए सरसों के साग की एक गड्डी लेकर इसके पत्तों और नर्म डंठलों को मोटा मोटा काट लें। अगर डंठल पके हुए हैं तो प्रयोग न करें। दो मध्यम आकार के शलगम भी छील कर मोटे मोटे काट लें। आप चाहें तो शलगम न डालें, लेकिन शलगम की मिठास सरसों की कड़वाहट को खत्म कर देती है। दो ताजी मूलियां भी छील कर काट लें। इसके अलावा एक गड्डी पालक भी काट लें। कुछ लोग मेथी भी डालते हैं, किंतु हम नहीं डाल रहे हैं। इस सभी सामग्री को 4 या 5 बार पानी बदल बदल कर अच्छी तरह धो लें, जिससे इन पर लगी हुई सभी मिट्टी आदि पूरी तरह से हट जाए। धुली हुई सामग्री को अपने प्रेशर कुकर में डाल दें। एक बार में पूरी सामग्री शायद न आए, इसलिए आधी ही डालें। थोड़ा पानी डालकर इनको ढक्कन से ढक दें। इसको सील ना करें, ढीला ही रहने दें। मध्यम तेज आंच पर कुछ मिनट पकाएं। थोड़ी देर में सब चीजें नीचे बैठ जाएंगी। आंच मध्यम कर दें और बाकी बची सामग्री भी कुकर में डाल दें। कुकर का ढक्कन लगाकर इसे सील कर दें। आंच दोबारा तेज कर दें और एक सीटी आने दें। सीटी आने पर आंच धीमी कर दें और धीमी आंच पर आधा घंटा पकने दें। आधा घंटा पकने के बाद आंच बंद कर दें और कुकर का प्रेशर अपने आप खत्म होने दें। प्रेशर खत्म होने के बाद ढक्कन हटा दें और इसको कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें। ठंडी सामग्री को अपने मिक्सर के जार में थोड़ा थोड़ा करके पीस लें, क्योंकि एक बार में पूरी सामग्री शायद ना पीस पाए। इसमें 1 या 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसको पेस्ट की तरह बिल्कुल बारीक पीस लें। पिसे हुए सरसों के मिश्रण को एक कटोरे में पलट लें। अब एक कढ़ाई या पैन में 2 बड़े चम्मच घी या कुकिंग ऑयल मध्यम आंच पर गर्म होने को रख दें। परंपरागत रूप से सरसों का साग घी में ही तड़का जाता है, लेकिन आप चाहें तो तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। घी पिघलने पर इसमें 1 बड़ा चम्मच मोटा मोटा या बारीक कटा हुआ अदरक डाल दें। आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं। मिलाते हुए 1 मिनट पकाएं, फिर 5 या 6 पिसे हुए टमाटर पैन में डाल दें। आप रेडीमेड या घर की बनी टोमेटो प्यूरी भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे से मिलाते हुए 6 से 8 मिनट पकाएं, मिश्रण के गाढ़ा होने तक। इसमें 1/2 छोटी चम्मच या स्वादानुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच या स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च, 1 या 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला भी डाल दें। मिलाते हुए 1 मिनट भुने। अब पिसा हुआ सरसों का मिश्रण इसमें डाल दें। अच्छे से मिलाएं। अंत में 2 छोटी या 1 बड़ा चम्मच मक्की का आटा डाल दें। अच्छे से मिलाएं, जिससे मक्की के आटे में गांठे ना पड़ने पाए। अब इसे मध्यम धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट भूनें। बीच बीच में हिलाते रहें। आंच बंद कर दें। स्वादिष्ट सरसों का साग तैयार है। इसे घर पर बने सफेद मक्खन से सजाएं और मक्की की या सादी रोटी के साथ गर्मा गर्म परोसें। मक्की की रोटी की 3 वैरायटी। सबसे पहले हम मक्की की सादी रोटी यानी कि फुलका बनाएंगे। गेहूं के आटे के 2 बड़े चम्मच एक परात या कटोरे में ले लें। इसमें 2 या 3 बड़े चम्मच मक्की का आटा, 1/4 छोटी चम्मच या स्वादानुसार नमक भी डाल दें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए उंगलियों से मिलाएं। पानी कमरे के सामान्य तापमान पर ही लें।
अच्छे से मिलाते हुए नर्म आटा गूंद लें। गूंदे आटे को ढक कर 5 मिनट रेस्ट करने दें। अपने तवे को मध्यम आंच पर गर्म कर लें। गूंदे आटे की छोटी लोई या पेड़ा बनाकर उसे सूखे गेहूं के आटे में लपेटकर चकले पर रखें और सामान्य रोटी की तरह पतला बेल लें। बेली हुई रोटी को गर्म तवे पर डाल दें और 1 मिनट सेक लें, या जब तक नीचे से थोड़ी सेट ना हो जाए और ऊपर से थोड़ी सूख ना जाए। रोटी को पलटकर उधर से भी आधे मिनट सेक लें ताकि नीचे से भी सेट हो जाए। अब आप रोटी को 2 तरीकों से फुला सकते हो। अपने किचन के कपड़े को फोल्ड करके एक पैड सा बना लें और उससे हल्का सा दबाते हुए और घुमाते हुए रोटी को तवे पर ही फुला लें, या एक चिमटे से रोटी को उठाकर सीधे आंच पर रख दें और मध्यम धीमी लौ पर घुमाते हुए फुला लें। किसी भी तरीके से अपनी सुविधा अनुसार फुलके को फुला लें। ऐसे ही बाकी रोटियां भी सेक लें। मक्की के फुलके को घर के बने सफेद मक्खन से चुपड़ें और सरसों के साग व गुड़ के साथ परोसें। अब दूसरी वैरायटी यानी कि मक्की का सादा पराठा बनाएंगे, जिसे ढोड़ा भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए 3 या 4 बड़े चम्मच मक्की का आटा ले लें। इसमें 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी अजवाइन और 1 छोटी चम्मच घी या कुकिंग ऑयल भी डाल दें। उंगलियों से मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना गर्म पानी भी मिलाएं और बहुत नर्म आटा गूंद लें, क्योंकि मक्की का आटा नर्म गूंदने पर भी थोड़ी देर में थोड़ा सख्त हो जाता है। गूंदे आटे को ढककर 5 मिनट के लिए रख दें। तवे को मध्यम आंच पर गर्म होने के लिए रख दें और इसको घी या कुकिंग ऑयल से अच्छी तरह चिकना कर लें। गूंदे हुए मक्की के आटे की एक छोटी सी लोई बनाकर सूखे मक्की के आटे में अच्छी तरह से लपेट लें और चकले पर भी सूखा मक्की का आटा बुरक लें। हाथों से थपथपाते हुए 1/4 इंच मोटी रोटी बेल लें। आवश्यकता होने पर थोड़ा और आटा बुरक लें। अगर रोटी चकले पर चिपक जाए तो एक छुरी रोटी के नीचे चकले के ऊपर से घुमा लें। चकले को पलटकर रोटी को हाथ पर ले लें और तवे पर डाल दें। यदि ये कठिन लगे तो दूसरी विधि से रोटी बेल लें। चकले के ऊपर एक साफ प्लास्टिक की शीट बिछाकर उस पर मक्की का सूखा आटा बुरक दें। सूखे आटे में लिपटी मक्की के आटे की लोई को शीट पर रखकर और हाथ से थपथपाकर रोटी बेल लें। 1/4 इंच मोटी रोटी बेलकर शीट को एक तरफ से उठाकर रोटी को सावधानीपूर्वक हाथ पर ले लें और फिर चिकने तवे पर डाल दें। जो भी विधि आपको आसान लगे उसका प्रयोग करें। रोटी को गर्म तवे पर 1 मिनट तक सेक लें, या जब तक नीचे से थोड़ी सेट ना हो जाए और ऊपर से थोड़ी सूख ना जाए। अगर रोटी तवे से चिपक जाए तो एक छुरी या पलटे की सहायता से उसे तवे से छुड़ा लें और पलट दें। आधा मिनट इधर से भी सेक लें। इसे दोबारा पलट दें और ऊपरी सतह को घी या तेल से चुपड़ कर फिर पलट दें। इधर से भी चुपड़ दें और पलटे या चम्मच से दबाते हुए सेक लें। इसे फिर से पलट दें और इधर से भी दबाते हुए सुनहरा होने तक सेक लें। पराठे को दोनों तरफ से करारा और सुनहरा सेक कर परोसने के लिए प्लेट पर निकाल दें। ऊपर से घर का बना मक्खन डालें और सरसों के साग और गुड़ के साथ परोसें। अब हम तीसरी वैरायटी यानी कि मक्की की मूली वाली रोटी बनाएंगे। इसके लिए 1 ताज़ा मूली को छीलकर कद्दूकस कर लें। आप मूली के स्थान पर गोभी या उबले और छिले आलू का प्रयोग करके और वैरायटी भी ऐसे ही बना सकते हैं। कद्दूकस की हुई मूली में थोड़ा सा कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया, 1 चुटकी अजवाइन, स्वादानुसार नमक, 1 छोटी चम्मच घी या कुकिंग ऑयल और अंत में 1.5 या 2 बड़े चम्मच मक्की का आटा डालकर उंगलियों से मिलाकर हथेली से मसलते हुए गूंद लें। आवश्यकता होने पर थोड़ा और मक्की का आटा या कमरे के तापमान पर थोड़ा पानी डाल दें। पानी की आवश्यकता मूली द्वारा छोड़े गए पानी पर निर्भर करेगी। नरम आटा गूंद लें और ढककर 5 मिनट के लिए रख दें। अब घी या तेल से चिकने तवे को मध्यम आंच पर गर्म होने को रख दें। थोड़ा गूंदा आटा चकले पर रखें और अगर सख्त हो गया है तो थोड़ा सा पानी मिलाकर और गूंद कर नर्म कर लें। इसकी गोल लोई बनाकर सूखे मक्की के आटे में लपेट लें और चकले पर या प्लास्टिक की शीट पर भी थोड़ा आटा भुरक कर थपथपाते हुए पहले की तरह 1/4 इंच मोटी रोटी बेल लें। सावधानी पूर्वक बेली हुई रोटी को चिकने गर्म तवे पर डाल दें और 1 मिनट या नीचे से सेट होने तक सेक लें। आंच को थोड़ा धीमा करके रोटी को पलट दें और इधर से भी 1 मिनट सेक लें। ऊपरी सतह को घी या तेल से चुपड़कर पलट दें और इधर से भी चुपड़ लें। पराठे को दोनों ओर से दबाते हुए करारा और सुनहरा होने तक सेक लें। परोसने की प्लेट पर निकाल लें और ऊपर से मक्खन डाल दें। मक्की का मूली वाला पराठा भी सरसों के साग और गुड़ के साथ परोसें। मक्की की रोटी की तीनों वैरायटी को बनाएं, परोसें और आनंद लें।
हमें आशा है कि आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। कृपया नीचे दिए लाइक के बटन पर क्लिक करें और इस पर अपने विचार कमेंट्स कॉलम में अवश्य लिखें। आपका फीडबैक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो स्क्रीन पर दिख रही हमारी फोटो पर या नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। साथ में दिख रही घंटी पर भी अवश्य क्लिक करें। इससे आपको हमारे हर नई वीडियो की सूचना अपने आप मिलती रहेगी। धन्यवाद।